सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेटामॉर्फोसिस एपिसोड नंबर 14 में एंड डेली लॉगिंग का एपिसोड नंबर 11। आज एक काफ़ी एक्साइटिंग दिन होने वाला है क्योंकि आज लेग डे। यूजुअली लोग का क्या होता है कि लोग को लेग डे परफॉर्म करना पसंद नहीं होता या फिर लेग डे स्किप कर देते हैं, बट मेरा थोड़ा सीन अलग है। मेरे को लेग डे ज़्यादा पसंद है, मतलब चेस्ट के बाद मेरे को लेग डे बहुत ज़्यादा पसंद है। चेस्ट ऑब्वियसली बीइंग ऑन टॉप, लेग डे फिर बाद में, फिर बैक, फिर बाद में आर्म डे। तो आज लेग डे एंड लेग डे के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली कॉफ़ी बनाएंगे, हर एक दिन की शुरुआत, मतलब हर एक ब्लॉग की शुरुआत ऑलमोस्ट यहीं से होती है। तो कॉफ़ी बनाएंगे अच्छी सी स्ट्रॉन्ग वाली एंड आज ट्रेन करेंगे लेग्स एकदम हार्ड। एंड मैं सोच रहा हूँ कि प्री वर्कआउट खरीद ही लूँ क्योंकि कैफीन पे, मतलब मेरा डिपेंडेंसी थोड़ा अच्छा है, मतलब कैफीन अच्छा किक इन हुआ ना मेरे को तो वर्कआउट ऐसा रहता है कि 100% श्योर हूँ मैं कि अच्छा वर्कआउट जाने वाला है। सो मैं सोच रहा हूँ प्री वर्कआउट एक्सट्रीम आता है मसल बेस का मंगा लूँगा, तो मंगाएंगे तो बहुत अच्छे वर्कआउट जाएंगे क्योंकि आजकल वर्कआउट्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है क्योंकि हम लोग सब ग्रुप में ट्रेन कर रहे रहते हैं तो एक दूसरे को पुश करते करते हम लोग मतलब बियॉन्ड फेलियर ट्रेन करते हैं। तुम लोग देख ही रहे रहोगे लास्ट ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गया है एंड लास्ट परसों के बैक वर्कआउट से मैं अभी तक रिकवर नहीं हुआ एंड कल के आर्म वर्कआउट से अभी तक रिकवर नहीं हुआ। ट्राइसेप बहुत ज़्यादा सोर हो गया क्योंकि स्कल क्रशर्स मैंने बहुत फर्स्ट टाइम ट्राई किया एंड काफ़ी अच्छा फील हुआ मेरे को। बाइसेप्स भी अच्छे खासे सोर हो गए। तो चलते आज के लेग डे के लिए। सो द रीज़न कि मेरे को लेग डेज इतने ज़्यादा पसंद है, उसके दो रीज़न है मेन, क्योंकि लेग डे आपका यूजुअली टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी हद तक बढ़ाता है क्योंकि लेग एक बहुत बड़ा मसल ग्रुप है, ये पूरा लेग्स है, इस इतना बड़ा मसल ग्रुप है। अगर आप इसको अच्छे से ट्रेन करोगे टेल फेलियर तो आपका ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी ऊपर जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि मेरे को लेग डेज इसके लिए पसंद है क्योंकि यूजुअली जिम्स खाली रहते हैं लेग डेज पे, लेग डे कभी भी आप जाओ खाली रहता है एंड जो पीसफुल वर्कआउट होता है खाली जिम वाला वो काइंड ऑफ फील होता है। तीसरा रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं टॉप 1% में हूँ जिसको लेग डे परफॉर्म करना पसंद है। मैं आज तक जितने लोग को भी मिला वो कभी लेग डे को एज अ मेन वर्कआउट अप्रोच करते ही नहीं है। मैं देखता हूँ कि लोग चेस्ट में अच्छे से ट्रेन कर लेते हैं टिल फेलियर, बैक में ट्रेन कर लेते हैं, आर्म्स में ट्रेन कर लेते हैं टिल फेलियर, बट लेग डेज किसी को पसंद नहीं होते एंड ऐसे बहुत कम लोग होते जो लेग्स अच्छे से ट्रेन करते हैं एंड मैं उनमें से एक हूँ। क्योंकि फीलिंग होती है ना फेलियर की, वो असली लेग डे पे पता चलती है कि आप लिटरली फेलियर तक ट्रेन करके आए हो, आप चल नहीं पा रहे हो, आपका स्टेप गोल कंप्लीट करने में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका क्वाड्स क्रैम्प मार रहा है, हैमस्ट्रिंग क्रैम्प मार रहा है, काफ इतने दर्द हो रहे हैं कि मैं मतलब आप चल के घर नहीं जा पा रहे हो, चल के सीढ़ी नहीं उतार पा रहे हो, वो सब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जो पेन होता है लेग डे वाला वो मुझे बहुत पसंद है। तो लेग डे की हम लोग एज यूजुअल स्क्वाट से शुरुआत कर रहे हैं। सो रिसेंटली मैंने लेग डेज के लिए एंड ओवरऑल ट्रेनिंग के लिए हाइपरट्रॉफी प्लस स्ट्रेंथ का एक कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ वर्कआउट्स फॉलो करना शुरू किया एंड उसका एक रीज़न है कि मुझे स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे हो गया डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स एंड बेंच। डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स एंड बेंच में से मुझे सिर्फ स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट्स पसंद है। बैक डे पे मैं सोच रहा हूँ कि डेडलिफ्ट्स को भी इंक्लूड करना शुरू करूँ, बट स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है कि मैं कभी छोड़ नहीं पाया हूँ एंड ना मैं कभी छोड़ूंगा, भले ही वो हाइपरट्रॉफी के लिए हो या कोई भी रीज़न की वजह से हो। मेरे को लेग्स को ग्रो करने के लिए स्क्वाट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज लगता है एंड कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है कि लेग्स को ग्रो करने के लिए स्क्वाट्स इज अ नेसेसिटी एंड मुझे ये ऐसा ही लगता है कि स्क्वाट्स आपके लेग को मेजरली बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, सिर्फ क्वाड्स को टारगेट नहीं करता, आपके जो जॉइंट्स है उसकी हेल्थ भी इन चेक रहती है एंड सारे मसल ग्रुप्स इंक्लूडिंग हैमस्ट्रिंग ये सब भी इंक्लूड होते हैं आपके स्क्वाट्स परफॉर्म करते टाइम। क्वाड्स को एज अ मेन कंपाउंड मूवमेंट हमेशा रखूंगा क्वाड्स को टारगेट करने के लिए कंबाइंड विद स्मिथ मशीन स्क्वाट्स, जो कि एक स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी कॉम्बिनेशन रहेगा जिससे मैं अपने टारगेट कर सकता हूँ क्वाड्स को एंड बाकी वर्कआउट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। आज स्क्वाट्स के लिए मैं टॉप सेट 105 लेने वाला हूँ, लास्ट टाइम 100 kg इजी 12 रेप्स के लिए गए थे विद स्लो एंड कंट्रोल रेप्स, आज 105 देखेंगे कितने रेप्स के लिए जाते हैं। सो टॉप सेट लेट्स गो।
फॉक भाई कितने रेप्स गए? 12 क्लीन रेप्स गए एंड पॉट्स फायर अप हो गए। हाँ अभी स्मिथ मशीन और पूरा लेग वर्कआउट बाकी है। हाँ तो सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग आरडीएल्स परफॉर्म कर रहे हैं। आरडीएल्स में इसके लिए कर रहा हूँ एंड स्मिथ मशीन स्क्वाट में बाद में करूंगा ताकि मेरे क्वाड्स जो स्क्वाट के जैसे एकदम फायर अप हो गए एंड लैक्टिक एसिड बिल्ड हो गया वो एकदम रिकवर हो जाए एंड मैं स्मिथ मशीन स्क्वाट से अपना बेस्ट दे सकूँ। सो आरडीएल्स के लिए स्नैप्स यूज कर सकते हो तो करना, इससे आपका जो ग्रिप स्टेबिलिटी रहता है वो बढ़ जाता है। अबे भाई कैजुअली आगे निकाल रहे हैं वेट। सो इस पे प्रोग्रेस करते करते हम 80 केजीज पे पहुंच गए, सून 100 केजीज करेंगे आरडीएल्स के लिए। एंड आरडीएल्स में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी इंटेंसिटी एंड वेट ज्यादा बढ़ाओ। व्हेन इट कम्स टू ज्यादा रेप्स, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता ज्यादा रेप्स मारना। सिर्फ एक प्लेट के साथ अगर मैं 12-15 रेप्स मारूंगा या 20 के अराउंड रेप्स मारूंगा तो मेरा जो बॉडी बिल्डिंग पर्पस है वो हट के एंड्योरेंस बेस हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेग डे पे ज्यादा वेरिएशंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक्स पे स्टिक करके इंटेंसिटी बढ़ाओगे अपने वर्कआउट्स की ओवर द टाइम तो आपके लेग्स बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो होंगे। बेसिक्स का मतलब ये होता है कि स्क्वाट्स, आरडीएल्स, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स एंड काफ रेजेस, 5 से 6 वेरिएशन जो भी आपको पसंद है उसको पकड़ के आप अगर स्पैम करोगे ना फॉर मतलब इंटेंसिटी मतलब जैसी कि मतलब आप एक और रेप परफॉर्म नहीं कर सकते वैसी इंटेंसिटी से आप अगर अपने लेग्स को ट्रेन करोगे तो जेनेटिक्स को गाली देना बंद कर दोगे आप। एंड लेग्स का मैं देखता हूँ कि लेग डे यूजुअली लोग स्किप करते हैं एंड लेग डे काफ़ी हार्ड होता है परफॉर्म करना, बट आपको लेग डे मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बहुत करता है साइड बाय साइड। स्पॉट चाहिए भाई कंट्रोल रेप्स। सो अभी हम लोग ड्रॉप सेट वाला सेट परफॉर्म कर रहे हैं। जो टॉप सेट था उससे 2.5 कम किया एंड 90 के जिससे जितने रेप्स आएंगे उतने करेंगे एंड फिर 20 को ड्रॉप डाउन करके मेन सेट करेंगे। मेन सेट नहीं सॉरी ड्रॉप सेट। Good.
फक द भाई, हालत खराब हो गई भाई। ऊपर से आज एसी नहीं चल रहा जिम का, गर्मी में ऐसा लेग वर्कआउट कर रहे हैं। बट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मैं इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि अभी लास्ट सेट को एटलीस्ट 2 या 3 मिनट हो गया, बट मैं अभी तक अपनी ब्रेथ रिकवर नहीं कर पाया हूँ। सो ये इंटेंसिटी की बात कर रहा था मैं। कैसा है आज का लेग वर्कआउट? और आज सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि हम लोगों ने ज़्यादा सेट्स भी परफॉर्म नहीं किए, हर एक अच्छा इसके मैक्स 2 या 3 सेट परफॉर्म किए। बट जो भी 2 या 3 सेट परफॉर्म किए उसकी इंटेंसिटी ऐसी थी, तो मैटर नहीं करता आप कितने सेट्स मारते हो, मैटर करता है कि इंटेंसिटी कितनी है आपकी। कर्ल और लेग एक्सटेंशन बाकी है अभी, और लेग एक्सटेंशन एंड लेग कर्ल में मेरा गोल ये रहता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग स्टाइल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेच फील करूँ। मैं जैसा अभी चूते की तरह जो ड्रॉप सेट्स एंड इंटेंसिटी की बात कर रहा था वो मैं इसमें नहीं करता। इसमें किया तो मतलब जो इसका बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो हट जाता है एंड वो चूतिया पे में डिफर हो जाता है। तो इसके लिए मेरे पास एक अच्छा टिप है जिससे आप इसमें अच्छी स्ट्रेच फील कर सकते हो, वो ये है कि आप इसको चालू कर रहे हो, पैड डालो एंड फिर आगे आ जाओ। इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट पे तो आप ठीक हो, बट स्ट्रेच पार्ट पे आप एक्स्ट्रा स्ट्रेच फील कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो मैं ऐसा बैठा रहूंगा तो स्ट्रेच फील नहीं होगा, बट आगे रहूंगा तो अच्छा स्ट्रेच फील होगा ऐसे। पार्शियल रेप्स तक गया है मैं इसमें, लास्ट के 3 पार्शियल्स थे। अभी लेग एक्सटेंशन के लिए भी सेम अप्रोच फॉलो करूंगा मैं, बॉडी बिल्डिंग स्टाइल रेप्स। बॉटम पोजीशन पे 1 सेकंड का पॉज एंड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट पे 1 सेकंड का पॉज से आपके काफ्स अच्छे से ग्रो हो गए। तो लेग डे इसके लास्ट में मैं एब्स भी ट्रेन करके निकलता हूँ। एब्स के लिए मैं एक एक्सरसाइज पकड़ के उसको स्पैम करता हूँ, इसके 4 सेट करूँगा लेग रेजेस के, स्लो एंड कंट्रोल्ड। तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेग वर्कआउट था, मतलब मेरा लेग्स अभी से सोर होना चालू हो गया। एंड यही है कि मतलब अगर किसी के साथ ट्रेन कर रहे हो, कोई है पुश करने को, तो ये डिफरेंस आता है। मैं और आर्यन आज यही बात कर रहे थे कि अगर मैं अकेला रहता या वो अकेला रहता ट्रेन करने के लिए, खुद से ट्रेन कर रहा होता, तो मतलब इतना फेलियर तक नहीं जाते हम लोग।
एंड अगर आप कोई जिम पार्टनर ढूंढ सकते हो तो उसके साथ ट्रेन करो, एंड प्रोग्रेस करने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा। एंड लेग डेज का आई बिलीव कि अगर कोई पार्टनर रहता है ना साथ में, तो वो एक फैक्टर से आपके लेग डेज बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। आज हम लोग ने ज़्यादा सेट्स परफॉर्म नहीं किए, बट जो इंटेंसिटी थी वो एकदम परफेक्ट लेवल पे थी, कि मतलब लेग्स का और कोई स्कोप ही नहीं था उसे और ट्रेन करने का, मतलब 1% भी नहीं छोड़ा फेलियर, पूरा बियॉन्ड फेलियर ट्रेन किया। एंड अभी पोस्ट वर्कआउट मील में मैं ओट्स एंड वे प्रोटीन खा रहा हूँ। सो अभी इसके बाद चुपचाप पढ़ाई करने बैठेंगे, क्योंकि भाई 30 डे ब्लॉगिंग चैलेंज के साथ मेरे को पढ़ाई भी मैनेज करना है। पर वो स्टार्ट करने का पर्पस नहीं होता कि मैं सीरीज इसीलिए स्टार्ट करूंगा ताकि मैं अकाउंटेबल रहूंगा, वो उसका एक एडेड बेनिफिट है ऐसे मैं कहूंगा। और स्टार्ट करने का आपका पर्पस क्या था? सो मैं 2021 तक अपनी फिजिक से काफ़ी खुश था, यूट्यूब सोशल मीडिया से काफ़ी खुश था, पर फिर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर मैं बहुत, इससे ज़्यादा मैं रिलेट नहीं कर सकता। मैंने भी मेटामॉर्फोसिस इसके लिए चालू किया है कि मतलब मैं अपने जो भी प्रोग्रेस को लेके बहुत ट्रू रहना चाहता हूँ अपने आप से, मैं अपनी फिजिक को चेंज करना चाहता हूँ। एंड मैंने गोल सेट कर दिया, मैंने 30 डे ब्लॉगिंग का गोल सेट कर दिया, यूट्यूब पे आके बोल दिया, तो वो एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि मेरे को कंसिस्टेंटली करना है। एंड मैं इस तरीके से कम्फर्ट जोन से बाहर निकल पाया।